रामबन जिले के पचल, धुरिल, धरली, ताखनका व दूर दराज के क्षेत्र के स्थानीय लोग 5 किलोमीटर लंबी नाबार्ड द्वारा सैंक्शन सड़क को लेकर बहुत खुश हैं। सड़क नहीं होने के कारण गंभीर रोगियों, विवाह समारोह, दाह संस्कार और खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ता था। वहीं क्षेत्रों के लोगों ने रामबन प्रशासन से अपील की कि स्वीकृत सड़क के निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। नबार्ड में जो ये 5 किलोमीटर का जो रोड, जो कनेक्टिविटी, जो राबता सड़क है यहाँ पे, ये सेंक्शन हुई है, तो उसकी खुशी में आज यहाँ पे छोटा सा एक इजलास रखा हुआ था। यहाँ मकामी लोग जो है पहुँचे हुए हैं और इनका रिएक्शन जानना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे हम कितनी खुशी है आपको ये रोड सेंक्शन होने की वजह से, जो यहाँ गली से जो पचल और जो ये इलाका है बालकोट, धुड़िल, ये इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका था, इस एरिया में जो है नबार्ड के थ्रू ये 5 किलोमीटर जो सड़क जो यहाँ पे सैंक्शन हुई है, तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे मेरे साथ मौजूद यहाँ के कुछ मुकामी लोग हैं, यहाँ पे पंच है, इनसे हम जानेंगे कितनी खुशी हुई आपको ये रोड की जब आपने खबर सुनी। बहुत खुशी, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे रोड आएगा, तो सबों ने मेहनत की, सभी अपनी अपनी जगह पर जितनी कोशिश कर सकते थे, सभी जाते थे कि आगे तक बात ले जाएंगे, जैसे आप मीडिया में बहुत साल पीछे से, तो आप वो टाइम आ गया। आप मुझे बताइए ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, कितनी आबादी पे मुश्तमिल है ये एरिया? ये एरिया बहुत आबादी है, जैसे गली पचल, ये धुड़िल और त्रागू होकर जैसे बतीन बलकोट तक, इसके आगे भी ये रोड फिर अगर जुड़ेगा तो कुंडी आगे ये झट गली जैसे उधर तक भी ये जा सकता है। ये जो नबार्ड के थ्रू रोड सेंक्शन हुआ है, इसमें जो ज़मीन का मुआवजा जो है वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए सब लोग राज़ी हैं यहाँ के लोग? सब लोग राज़ी हैं इसके लिए, रोड हम ही लोगों के लिए आना है, तो चलो अगर नहीं भी इसमें ज़मीन देनी पड़ेगी तो फिर हम सबको ही फायदा है इसमें। मैं कॉलेज टाइम की बात है, तो मैं कॉलेज में था, पेपर एग्जाम दे रहा था, 9 बजे की बात है, तो घर की तरफ से फोन आया कि आपके फादर साहब को अटैक हुआ है, तो अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे अटैक हुआ था, तो अराउंड यहाँ से अगर रोड तक कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ घंटा लगता है, जब तक वो वहाँ पर पहुँचा जाता है उनकी अटैक होगी, तो अगर नॉर्मली अगर उस वक्त रोड होता तो आधे घंटे में वो यहाँ से रामन शिफ्ट हो सकते थे, हॉस्पिटल में उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। अब जैसे रोड नहीं है उसकी वजह से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेता है, कोई अच्छा कमाता है, तो वो क्या कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी की वजह से या फिर प्रॉपर तरीके से जो सहूलियत नहीं है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो आस्ता क्या होगा, गाँव खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो गाँव में अवेलेबल नहीं है, वो सिटीज़ में अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या है, जैसे हमारी जनरेशन तो अभी यहाँ पे स्टेबल कर रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना आपको नहीं दिखेगी फिर गाँव में। कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था आपको रोड के बिना? बहुत मुश्किल थी सर, हमें लोडिंग बड़ी पड़ती, कैरेज बड़ी पड़ती थी, हमें खचरे लगानी पड़ती या मजदूर लगाकर सामान हम घर पहुँचाते, इसे हमें आज बहुत खुशी है कि ये कम से कम 3,000 पॉपुलेशन के लिए रोड आया है, तो हमें बहुत खुशी है, सब लोग खुश है, तो हम गवर्नमेंट को दाद देते हैं कि इन्होंने हमारा रोड नवाड़ में 5 किलोमीटर सेंक्शन किया और इसके आगे भी ये रोड जाना चाहिए बालकोट तक पहुँचने के लिए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो रोड नवाड़ में सेंक्शन हुआ, तो नवाड़ में जो आपको मुआवजा तो नहीं मिलेगा इसका, तो उसके लिए लोग यहाँ की ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? हाँ, लोग देंगे ज़मीन, इनको रोड की ज़रूरत है, ज़मीन देंगे जरूर, क्यों नहीं देंगे, फायदा है इनको, घर में सामान पहुँचा वहाँ मिलेगा, गाड़ी घर में आएगी तो ज़मीन देंगे। आपसे जानना चाहूँगा, जब यहाँ पे कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती है, तो अचानक से उनको जब दर्द होती है तो वो किस तरह से जाते हैं, किस तरह हॉस्पिटल कैसे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? आजकल तो गवर्नमेंट ने बड़ी सहूलियत रखी है, 102 पर फ़ोन करना, एम्बुलेंस आ जाती है, रोड की है हमारा, तो जल्दी से जल्दी हमारा प्रेग्नेंट पेशेंट पहुँच जाता है अस्पताल में। रामबन से दी अर्थ न्यूज़ के लिए परवेश शान की रिपोर्ट।